आइए दोस्तों, पाइथन का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ लॉजिक ऑपरेटर भी देखेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लॉजिक ऑपरेटर हमारा एंड है, ठीक है। हमने फर्स्ट हमें जो प्रिंट कराना है, जो हमने प्रिंट के अंदर ही इनको असाइन कर दिया है दोस्तों। अभी मतलब जो कंडीशन हमें लगानी थी वो प्रिंट के अंदर ही लगा दिया हमने। देखिए ए, तो अब देख लेते हैं क्या ये आंसर दे रहा है हमें। इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो देख लीजिए दोस्तों, इसने ट्रू दिया, क्योंकि ए जो है वो बड़ा है बी से, सही बात है। और ए जो है वो सी से ही बड़ा है, ये भी सही बात है। एंड ऑपरेटर जो होता है दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें दोनों ही कंडीशनों का सही होना जरूरी है, वरना ये आंसर फॉल्स दे देगा, ठीक है, ये याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिखाया गया है ए बड़ा है बी से और ए छोटा है सी से। चलिए इसको रन कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए फॉल्स दे दिया, क्योंकि सी जो है वो 3 है और ए जो है वो 5 है, मतलब 5 है। तो ए तो बड़ा ही है, तो छोटा कैसे हो गया? यानी कि एक कंडीशन यहाँ पे सही है, एक कंडीशन हमारी ये वाली सही है और ये वाली गलत है। तो और इसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर लगा रखा है जो कि एंड है, तो यानी कि ये फॉल्स आंसर देगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे है कि बी बड़ा है ए से और ए बड़ा है सी से। अब देख लीजिए यहाँ पे ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि बी तो 2 है और ए 5 है, और यहाँ पे ये कंडीशन सही हो जाएगी, क्योंकि ए 5 है और सी हमारा 3 है। तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स देगा। चलिए रन करके देख लेते हैं। देख लीजिए फॉल्स दे दिया इसने। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिया हमने दोस्तों, बी बड़ा है ए से, ये फॉल्स हो गया, और सी बड़ा है ए से, ये भी फॉल्स हो गया, मतलब दोनों ही फॉल्स हैं। अब तो देखिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, मतलब दोनों ही गलत है, तो आंसर भी हमारा फॉल्स ही आएगा। देखा दोस्तों, फॉल्स ही दिया इसने। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है, क्या मिला हमें, ए जो है वो बड़ा है बी से, सही है, एंड सी हमने खाली सी प्रिंट कराया है। चलिए ये क्या देगा देखते हैं। तो इसने हमें सी को ही दिया है बस, ठीक है दोस्तों। जब भी हम एक कंडीशन लगाएंगे और खाली सी प्रिंट करेंगे एंड ऑपरेटर के साथ, तो ये सी को ही दे देगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या करा इस बार हमने एक कंडीशन लगाई, ए बड़ा है बी से और एंड लगाया लॉजिकल ऑपरेटर, फिर सी लिखा, फिर एक और लॉजिकल ऑपरेटर दिया, फिर हमने डी लिखा। तो अब देखिए दोस्तों, ये क्या देगा, सी या डी, दोनों से एक वैल्यू देगा, कौन सी देगा देखते हैं। इसको रन करते हैं तो ये हमें डी देगा। डी क्यों दिया इसने, क्योंकि वो लास्ट में था, लास्ट वाली वैल्यू देगा जब ये कंडीशन हमारी ट्रू है, ये भी, ठीक है। और अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि ये लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, क्योंकि बी बड़ा है ए से ये कहा गया है यहाँ पे, जो कि गलत है, और एंड में हमने लॉजिकल ऑपरेटर के साथ सी दिया है। तो देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे फॉल्स मिलेगा दोस्तों, ट्रू में हमें वैल्यू मिल जाती है, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया आपको, देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू मिल गई, ये ट्रू था, और यहाँ पे ये फॉल्स है, तो इसलिए ये हमें वैल्यू नहीं देगा। अब एक और देखते हैं दोस्तों, इसी तरह ये फॉल्स है। अब देखते हैं सी और डी दोनों में से कौन सा आएगा, चलिए देखते हैं। इसमें आएगा दोस्तों फॉल्स, ठीक है। और ये सभी कंडीशन एक साथ मैंने यहाँ पे दिखा रखी हैं, और आप एक साथ भी इनको रन कर सकते हैं, यही मैंने दिखाने के लिए लिखा है दोस्तों। मान लीजिए मैंने ये 4 अपने वेरिएबल दे दिए, उनमें वैल्यू दे दी, और उसके बाद मैंने इकट्ठी कंडीशन ये सारी एक साथ रन करा दी। तो मतलब यहाँ पे लाके मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए क्या करेगा, पहला ये प्रिंट कराएगा, प्रिंट में जो है हमारी वैल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देखिए स्टार स्टार स्टार, बीच में लॉजिकल और, ठीक है, यानी कि ऑपरेटर। उसके बाद जो जो कंडीशन सही है वो ट्रू दे देगा, जो फॉल्स है वो फॉल्स दे देगा, जिनमें कंडीशन में वैल्यू आनी है वो वैल्यू दे देगा, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह हमने नीचे एक और लिखा है दोस्तों, उसमें भी हमने नॉट लगाया है,
अब नोट के साथ कराइए हमने क्या मतलब ए बड़ा है बी से, मतलब यहाँ पे इसके आगे हमने नोट दे दिया। तो अब देखते हैं दोस्तों, एक मिनट रुके। हाँ अब देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ए बड़ा है बी से और यहाँ पे ए नहीं नहीं पहले वाले में बताया गया है बी बड़ा है ए से और दूसरे वाले में बताया दोस्तों ए बड़ा है बी से। चलिए अब देखते हैं, और दोनों के आगे नोट लगाया है तो देखो दोनों को क्या मिलेगा। यहाँ पे जो पहली कंडीशन है कि नोट लगा के मतलब बी जो है बड़ा नहीं है ए से, तो ये तो ट्रू हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ नोट लगा के हमने दिया ए बड़ा है बी से, मतलब नोट लगा के, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ए बड़ा नहीं है बी से, तो ये फॉल्स देगा। तो देखिए फॉल्स दे दिया। जब भी नोट लग जाए तो ट्रू कंडीशन को वो फॉल्स कर देगा और फॉल्स को वो ट्रू कर देगा, बस आप ये समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके थैंक यू।